नमस्कार, एक मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकृति श्रीवास्तव। खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बरकरार है। हालांकि अब मामले तेजी से घट रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 1,96,427 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले 13 अप्रैल 2021 से सबसे ज़्यादा कम है। हालांकि ये बात राहत देने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं। अब यहां नए मरीजों को कोविड सेंटर जाना होगा। जी हां, यानी अब यहां होम आइसोलेशन की सहूलियत को खत्म किया जा चुका है। दरअसल सरकार को जानकारी मिलने लगी थी कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के कारण कई जगह पर कोरोना का प्रसार हो रहा है। इसी को देखते हुए अब ये फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है महाराष्ट्र के उन जिलों में होम आइसोलेशन की सुविधा बंद की गई है जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है। आपको बता दें कि होम आइसोलेशन को खत्म करने का फैसला ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ नीचे गिर रहा है। इस समय यहां अस्पतालों और कोविड सेंटर पर दबाव कम हुआ है और इसी वजह से होम आइसोलेशन को खत्म करके अब नए मरीजों को कोविड सेंटर में एडमिट करने का फैसला लिया गया है।